सो अस्सलाम गाइस, मैं आपका अपना भाई राशिद कानपुर से। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं नमस्ते इंडिया की सप्लाई दिखाने के लिए कि फैक्ट्री से दूध जो आता है तो उसके बाद जो सिटी में सप्लाई होती है तो सप्लाई का तरीका क्या है, कौन कौन वर्कर काम करते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है और उनकी सप्लाई करने का सिस्टम क्या होता है। तो आज हम नमस्ते इंडिया की दूध की सप्लाई की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आएँ ताकि ये पता चले कि ये लोग कहाँ से दूध लाते हैं, किस तरीके से ला के और कैसे सप्लाई करते हैं। तो उसी ऊपर मेरा वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी आके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे वीडियो से मज़ा लेते रहें। तो शुरू करते हैं, यहाँ से अपना ब्लॉग दिखाते हैं कानपुर में नमस्ते इंडिया के दूध की सप्लाई किस तरीके से होती है, क्या इसका प्रोसीजर है। तो दोस्तों जैसे कि देखिए, ये नमस्ते इंडिया की गाड़ी, बड़ा ट्रक है, काफ़ी बड़ा है और यही ट्रक जो है सप्लाई करता है। इस तरीके के नमस्ते इंडिया के काफ़ी ट्रक हैं जो सिटी के अंदर सप्लाई करते हैं कानपुर शहर के अंदर। तो हम ये ट्रक, तो ये लगा हुआ है माल और काफ़ी, देखिए अंदर तक ये दिखाई देगा आपको और साइज़ बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी फुल गाड़ी भर के आती है, तो यहाँ से आने के बाद छोटी गाड़ियों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है ताकि बांटने में कोई दिक्कत ना हो, उन कंजेस्टेड एरियो में भी गाड़ी पहुँच जाए, छोटी गाड़ियाँ जिन एरियो में बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच पाती है। तो ये बड़ी गाड़ी भर के आती है वहाँ से फैक्ट्री से, उसके बाद छोटी गाड़ी में भी सप्लाई किया जाता है। तो ये सप्लाई चेंज होगा, दूध का जो टेम्परेचर है इसको बरकरार रखा जाए। तो टेम्परेचर बहुत डाउन है, माइनस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए इस वक्त, जिस पोजीशन हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ दूध का सिस्टम नमस्ते इंडिया का, ये 20 वाला रखा हुआ है, ये 10 वाला रखा है, ये 10 वाले दही वगैरह रखे हुए हैं। इस तरीके के सारे के सारी वैरायटी आपको दिखाई दिया, मट्ठे वगैरह हैं ये देखिए, और 1 kg, 1/2 kg, सारी की सारी वैरायटी आपको यहाँ के सप्लायर हैं इस एरिए के। तो ये खड़े हुए अंदर नमस्ते इंडिया की गाड़ी के अंदर जिसमें दूध की सप्लाई हो रही है, आपको दिखा रहे थोड़ा सा अंदर का व्यू। तो भाई लोगों से हम बात जरूर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दूध की सप्लाई का सिस्टम क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, तो ये किस हिसाब से फैक्ट्री जाते हैं दूध की सप्लाई लेके आते हैं, फिर उसके बाद के हिसाब से ये सप्लाई को डोर टू डोर पहुँचाते हैं, यानी कि सिटी की हर दुकान तक पहुँचाते हैं। तो पूरा प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे, बात जरूर करेंगे, उनकी सैलरी वगैरह जानने की कोशिश करेंगे, इनकी सैलरी वगैरह क्या होती है और ड्यूटी की टाइमिंग क्या है। और ये हैं इस गाड़ी के ड्राइवर, यानी कि इस साइड की जो भी सप्लाई होती है छोटी गाड़ी से वो भाई करते हैं। भाई का नाम क्या था बताइए? आतिफ खान। तो ये आतिफ भाई, आतिफ भाई से पूछेंगे। तो आतिफ भाई, गाड़ी आपकी अपनी है? नहीं, ये कंपनी कंपनी की है। तो आप गाड़ी मतलब ड्राइवरी करते हैं, सप्लाई करते हैं? सब कुछ करते हैं, सब कुछ, सप्लाई भी जी और गाड़ी भी चलाते हैं। अच्छा, क्या रूट है आपका? पीरोड का रूट है हमारा, पीरोड का है। तो भाई पीरोड सप्लाई करते हैं, तो आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है ड्यूटी की? ड्यूटी हमारी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से, सुबह 10 से और शाम को 6 बजे तक हमारी, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। भाई सैलरी वगैरह क्या है आपकी? सैलरी यार आदमी हमारी 14,000 है। 14,000 कुछ बोनस वगैरह भी आता है? नहीं, सैलरी के साथ साथ कुछ और मिलता है? सब जो होता है तो मतलब 15-16 के आसपास पड़ जाती है। तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती है, बस वही है कि सुबह से लेकर शाम तक 8-2 घंटे की ड्यूटी करनी है उसके बाद। तो ये बैठे हुए हमारे साथ भाई साहब और ये नमस्ते इंडिया के ड्राइवर हैं, यानी कि सप्लायर हैं इस एरिए के। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष कुमार, तो भाई साहब कितने टाइम जो है आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं इस नमस्ते इंडिया कंपनी में? जॉब कर रहे हैं नमस्ते इंडिया कंपनी में 12-13 साल से जॉब कर रहा हूँ। 12-13 साल से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती है? नॉर्मली दिक्कत तो परेशानी हर कंपनी में होती है, उसमें क्या है, सारी कंपनियों में होती है। नहीं मतलब कोई ऐसी दिक्कत तो कभी नहीं है कि लाओ ये कंपनी छोड़ दी जाए या इस कंपनी के अंदर ये बुरा ये खराब? नहीं, लाइन है, लाइन जो पकड़ी है एक ही लाइन पे चलने की, वो है बस, एक ही लाइन में अच्छा लगता है चलने में, बार बार लाइन बदलने में दिक्कत होती है। अच्छा, तो आपकी ड्यूटी की टाइमिंग क्या है यहाँ पे? मेरी ड्यूटी की टाइमिंग है 7:30 से 7 बजे तक, और ये गाड़ी है दूध की, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है जी, कभी लेट भी हो जाते हैं कभी जल्दी भी हो जाते हैं। अच्छा। तो कोई लेट वो वैसा नहीं होता कभी। सैलरी ऐसे ही है 17-18 हज़ार रुपये, मतलब 20,000 के आसपास सब कुछ काट पीट के। और जो बोनस वगैरह होता है? बोनस वोनस नहीं ना, कुछ नहीं है कंपनी वाले की तरफ से, नहीं ना, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा,
मतलब जहाँ से भी मतलब आप कर रहे हो काम, जिस साइड से कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता होगा। नहीं, एक्स्ट्रा को ऊपरी कोई आमदनी नहीं है। ऊपरी कोई आमदनी नहीं है, बस जो भी है सैलरी है आपकी 17-18 हज़ार रुपए, तो इससे गुजारा हो जाता है ठीक ठाक। लोगों का 10 में हो जाता है, कुछ का 5 में हो जाता है, सबका कहीं ना कहीं जगाने वाला वो है तो सुलाने वाला भी वही है। क्या पूछें, हाँ अपने गांव से दिक्कत नहीं ना, बस तो ये सप्लाई आपकी किस रूट पे है कानपुर में? मेरी ये इस समय तो चमनगंज बांटते हैं, कंपनी से माल लोड करके और यहाँ पे आके बांट। सुबह मार्केट में आना, पहले सुबह मार्केट में क्रेटे उठानी है, फिर उसके बाद प्लांट जाना, वहाँ खाली करना है, वहाँ खाली करने के बाद लोड करना है, कांटा कराना है, काटा कराने के बाद वैरायटी चेक करके लादना, ये सब जिम्मेदारी रहती हुई है, बहुत रिस्क वाला काम है। जितने की सैलरी मेरी नहीं है उससे ज़्यादा तो हरियाणा भर देंगे अगर हम चेक मतलब माल लोड चेक करके नहीं ला देंगे तो भी। मेन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवरी नहीं है सिर्फ जी, मेन इसमें दूध का पीछे का काम है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है, हर काम में जिम्मेदारी होती है। सही बात है, 3-4 लाख का माल आता है, ऐसे ही थोड़े बिना रिस्क किया है दिक्कत हो जाएगी। आपकी जो टाइमिंग है शाम की है, इवनिंग की है मतलब सप्लाई, और मॉर्निंग की टाइमिंग किसी और की होगी, तो दो शिफ्टें लगती हैं इसमें नॉर्थ इंडिया में। तो आप अंदर फैक्ट्री के अंदर जाते होंगे? हाँ, फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अलाउड है अंदर? हाँ, पूरा अलाउड है। तो कुछ प्रोटोकॉल वहाँ पे जो होता है मतलब कुछ कवर करके जाना हो, यानी वहाँ की ड्रेस हो वो पहनना है, या फिर ऐसे नॉर्मल चले जाते हैं? नॉर्मल कपड़ों में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी है गाड़ी नॉर्थ इंडिया की सप्लाई के लिए और हम इसके अंदर है। वहाँ क्या नाम बताइए पहले? तारा तहा। तो कहा भाई है? तो भाई कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? 8 साल से काम कर रहे हैं। तो काम ठीक है आपका? टाइमिंग वगैरह क्या होती है इसकी, ड्यूटी क्या आपकी? सुबह 4 से 5। सुबह 4 बजे शाम को 5 बजे तक, तो कुछ ज्यादा लंबी ड्यूटी नहीं आपकी? अच्छा, ड्यूटी होती है। तो भाई इतनी सैलरी बताइए जरा हमारे व्यूअर्स को, क्या क्या सैलरी आपकी? 12,000 है। 12,000 रुपये? तो 12,000 खुश हैं आप? तो फिर दिक्कत में काम कर रहे हैं? पढ़नी चाहिए। अच्छा, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब टाइमिंग वगैरह ठीक है, मतलब ज्यादा उलझन वाला काम नहीं है, मतलब अपने अकाउंटिंग वगैरह का सप्लाई का काम है। तो आपकी साइड कौन सी है सप्लाई करने? चमन ये पूरा कवर करते हैं आप? अच्छा, क्या नाम है? शुएब भाई। अच्छा, तो आपकी सैलरी कितनी? 7,000 रुपए। ड्यूटी की टाइमिंग यही होगी सेम? कितनी है? काम तो खुश हो? काम तो खुश हो अपने? बाकी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? चलिए, खुश है नहीं खुश है? और ड्यूटी की टाइमिंग वगैरह क्या है, इनकी सैलरी वगैरह क्या है? तो सब ठीक ठाक है, नमस्ते इंडिया जो है सबको खुश रखती है, प्रोडक्ट अच्छा है और दूध एकदम जबरदस्त होता है, हेल्दी है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 95% जो है नमस्ते इंडिया बिकता है। नमस्ते इंडिया का ब्रांड जो है यूपी में काफ़ी फेमस है, कानपुर के अंदर टोटली भी ये दिखता है। तो हमारा दिखाने का मतलब ये था कि यहाँ पे सप्लाई की तरीके होती है, सप्लाई की चैन जो भी डीट थी वो हमने दिखाने की कोशिश करी और जानने की कोशिश ये करी कि लोगों को जो ये दूध घर तक पहुँचता है, ये दूध पहुँचने का क्या सिस्टम है, उसी सिस्टम को जानने की कोशिश करी, इसलिए अपने वीडियो को बनाया है। और हम यहाँ से खत्म कर रहे हैं अपने ब्लॉग को, दिखाते तो फटाफट यहाँ पे दूध उतर रहा है। पास पास दुकानें हैं, बहुत तेजी के साथ दूध की सप्लाई होती है और ट्रैफिक की थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि गाड़ी बड़ी है, तो रोड पे खड़े होने में काफ़ी दिक्कत होती है। फिर भी बहुत एक्सपीरियंस है ड्राइवर साहब को भी, यहाँ के स्टाफ को भी, नमस्ते इंडिया के कैसे गाड़ी रोकनी है, कहाँ पर रोकनी है, उस हिसाब से दूध की सप्लाई करनी है। तो काबिल तारीफ इनका अपना सिस्टम है नमस्ते इंडिया के दूध का। हमने आपको आज इसकी सप्लाई होते दिखाई और दिखाने के साथ साथ जो है बात भी करी भाई लोगों से और जानने की कोशिश करी क्या सप्लाई होती है। ये